पंजाब दे किसान जो कि अपना दुध धंधा करते हैं उन्होंने अपने धंधे दे विच भारी मुसीबत का सामना करना पै रहा है क्योंकि दुधारू पशु यानी कि मझा गावां दे विच लंपी स्किन डिसीज यानी कि लंपी चमड़ी बीमारी जो है वह फैली हुई है जिसके कारण हर रोज़ ही सैकड़े मझा गावां दी मौत हो रही है जिसके कारण किसान भी उन्हां करके अपने धंधे दे विच भारी नुकसान चल रहे हैं। हैरानीजनक गल यह है कि विभाग भी इस उत्ते कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है ते किसान अपने वल्लों पैसे लगा के गावां नूं बचाउण दी कोशिश कर रहे हैं पर वो इस विच असफल दिखते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि किसान अपने वल्लों इन्ना पैसा भी लगावे पर फिर भी उसनूं नुकसान झलना पवे तो यह बेहद ही शर्मनाक गल है। इस मामले संबंधी वधेरे जानकारी दिंदे हुए पीड़ित किसानों ने की दस्या है आओ सुनते हाँ। इतने गुआं की बीमारी करके बहुत गुआं मर रही हैं, असी यदा बहुत प्रशासन को भी कह के थक ले, सानू इतने ना कोई डॉक्टर आता टाइम से, कहें सानू फोन करके बुला लो, गुआं की तादाद ज़्यादा होने करके इतने गुआं बीमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। यदा कोई इंतजाम नहीं सरकार करनी हो, प्रशासन बिल्कुल चुप है ना जी, सानू कोई सरकार ने डॉक्टर नहीं भेजा जी, असी जे डॉक्टर नू फोन करते हैं तद वो आते हैं पर दवाई बूटी कोई लेके नहीं आते, असी दवाई आपदे कोलों खरीदते हैं, सब गऊ भगत अपने दान विच दे के जाते ने उही गऊआं नू लगाई जाती है। नहीं जी सानू कोई पैसा नहीं दिता, एक बार चन्नी सरकार ने 5-5 लाख रुपया सारिया गऊशालावां नू दिता सी, उस तो बाद या पहला भी कदे अकाली सरकार ने जा कांग्रेस सरकार ने या हुण आप सरकार है उन्होंने गऊशाला कोई पैसा नहीं दिता। हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी, गल आप ही भर रही ने, कोई प्रशासन कोई गऊशालावां किसी तरह का फंड नहीं दे रहा। असीं सरकार तो मंग करते हैं कि गऊशालावां सरकार की जिम्मेवारी है, इन्हां नू चलावे, इन्हां ते जो भी दवाई बूटी का खर्चा या डॉक्टर मुहैया करावे, भी डॉक्टर आके इत्थे टीम बैठी रहे, इस वेले बीमारी का बहुत ज़्यादा जोर है, इस बीमारी कर जी बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है। मतलब तो अपने को 12 गाइया तो मान लो कि पहला असी एक गां नूं हो गई जो बीमारी, वो सह रुक गया, इको लखत सह रुकण कारण वह इको लखत डैथ हो गई, बाकी 11-12 गाइया असी घाटे दे नाल दित्तियां ने। इलाज वगैरह जी एक गां ते जिहड़ी उह डैथ होई आ 5-7 हज़ार रुपया लाता सीगा पर उहदा कोई उह नहीं बणिया, नुकसान अपना हो गया जी वह गां का, जी वह गां का 55-60 हज़ार की गां सी। हाँ जी कोई जिम्मे 60 हज़ार वाली गां, कोई 45 की, कोई 40 दी दित्तियां ने। मंगदा सरकार तो जी अं करते कोई दवाइया का प्रबंध होना चाहिए, किमें कोई वैक्सीन मान लो कि जेडे किसान वीर कोई घाटा हो गया तो उन्होंने मुआवजा देना चाहिए। ये भी अपना ना नाल खेती थोड़ा धंधा चलाया वा, चल खेतियाँ अच्छे कोई बचता नहीं, भी लौंटा लूंटा लैके तेन पता हूँ अपना घर चेठी चलता जट हरेक, तो भी गाइया पालिया हमेशा गाइया के चावड़ी रोज यही आई है, बीमारी सारिया खत्म करी जाने गई, एक कहता गां मर गई मेरे बहुत औखी होकर गां मरी है, भी ऐ लड़ा भी कैंसर वाला मरीज भी नहीं इन्ना औखा जिनी मरी है, तो आ दो होर हो गई भी ऐ खत्म हो जाने गई, भी अभी तो अगे करजे हेठ भी आए मैं समझ भी नाल भी धंधा चली जाता, भी चल खर्चा चली जाने घर का, इलाज तो है ही नहीं, दवाइया तो मिलती ही नहीं, दवाइया तो गौरमेंट पता नहीं की करती है, छुट्टी हुई है दवाइया तो मिल ही नहीं रही, दवाई एक टीका आता फिर शाह एक पशु से लगता वो गाह बीमारी नहीं बढ़ती, वो टीका तो मिल ही नहीं रहा, ब्लैक मिलता है टीका, खर्चा भी हूँ तू मन खड़ाऊ खर्चा है, बस बुखार के टीके लगते हैं पाउडर छुट दें लाला भी एक पशु जो बचता तो भी ठीक है, बचता तो है नहीं, 15-17 हज़ार रुपया खा जाता। हाँ भी दुध दी बहुत चंकी गां से 20 लीटर दुध से थले, तो घटो घट 55-60 हज़ार की गां से, तो आह दूजिया गाइया होर होगी दूर, एक रात मर गई देख लो तो आह दून होर होगी, उन्हें मंग भी बच आह इन्हों देना चाहिए, जिन्ना खर्चा अपना होंगे अपना सरकार को अपना नुकसान होंगे, जिन्ना भी अपना दवाइया पहले वो कर भी मिलनिया चाहिए दवाइया, तो दूजा जिन्ना अपना नुकसान होंगे जिमीदार का सरकार को चाहिए देखना चाहिए भी जिमीदार कहीं भी यही तो किता रहेगा गला खेतियाँ तो कोई बचता ही नहीं। इस मामले संबंधी जब बरनाला के डिप्टी कमिश्नर नाल गलबात की गई तो उन्होंने की क्या आओ सुनते हाँ। देखो जी मैं अपने डिप्टी डायरेक्टर एनीमल हसबेंडरी कहा वा कि जिते भी वड्डी गिनती पशु हैगे ने या जिते जिते सानू केसिस आए ने या शिकायतें प्राप्त हुई ने उत्थे जाके अपने स्टाफ के नाल चैकिंग की जाए और पशुओं का चंगी तरीके इलाज किया जाए और ये जी डिजीज़ है दूजे पशुओं ना फैले लोगों जागरूक करन की भी जरूरत हैगी है कि वो जोड़े पशु आ उन्होंने एक दूजे नाल टच ना कर दिता जाए ताकि ये जी बीमारी होर ना फैले।
ਸੋ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੋਰ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ। ਹਰ ਖਬਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ Facebook ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।